बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मतलब बहुत ही सुंदर सा यू नो फिगर। और ये जो मैंने पहना है, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतनील फैमिली। सो अगेन इट्स अ सरोजनी नगर शॉपिंग हॉल। यस, आई एम सो एक्साइटेड इस वीडियो को शूट करने के लिए। मैं खुद से एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई रियली वांट कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि मैंने सरोजनी से क्या क्या खरीदा और कितने में खरीदा, जस्ट मेरी सारी शॉपिंग कितने में हुई। तो आर यू गाइज रेडी? यस 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 यस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको व्हाट आई बाय फ्रॉम सरोजनी। पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ज्वेलरी। चलो ज्वेलरी दिखाती हूँ, मैंने ज्वेलरी में क्या क्या खरीदा। ये ना मेरा पुटारा, ये वहाँ से नहीं है, ये इसके अंदर जो है वो है वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है ये सुंदर सा, हमने लिया था एक नेक पीस जो कि है ये, सी इसमें है बांसुरी, मोर पंख, हमारे कान्हा जी का सुंदर सा एक नेक पीस है ना, सुंदर है ना। ये व्लॉग का भी फर्स्ट पीस है और ये हमारी फर्स्ट बाय भी है। जब हम सरोजनी नगर पहुंचे तो सबसे पहले हमने यही खरीदा। उसके बाद ज्वेलरी में हमने खरीदा एक और नेक पीस जो कि है ये, सी, और ये बहुत हैवी भी है, मतलब इट्स नॉट लाइक प्लास्टिक वगैरह का, ये एक्चुअली मेटल का है और ये स्टोन की वजह से इसमें काफ़ी वेट भी है, तो काफ़ी सुंदर है सी। और इसका एक और पार्ट है जिसको हम लोग चेंज करके पहन सकते हैं। ये इस तरीके से है, यहाँ पर जो ये पर्ल है इसको आप ऊपर करेंगे ऐसे, इस तरीके से, तो आप देखेंगे इसको यहाँ पर आप गले में पहन सकते हैं और ये यहाँ पर ऐसे लूप बन जाएगा। तो इसकी जो डिज़ाइन है आप वो चेंज कर सकते हैं पहनने की बारे में। नीचे करेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सबसे प्यारा क्या चीज़ लगा इस शॉपिंग हॉल में, ताकि मुझे भी समझ में आए क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लोगों का क्या टेस्ट है, राइट। उसके बाद एक और नेक पीस है जो कि हमने सरोजनी से लिया, जो कि बहुत ही प्यारा है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और हमको वहाँ जैसे ही दिखा मुझे लगा यार ये तो लेना तो बनता है। एक ये पीस सी, ये तीन चेने हैं जो एक साथ कंबाइंड है, जिसको आप पहनोगे तो एक साथ ही पहनोगे क्योंकि यहाँ पे लॉक उनका एक ही है सी। और ये इस तरीके से है, सुंदर सा एक लॉक है, एक यहाँ पर चेन पैटर्न है और एक यहाँ पर ये ईवल आई वाला ब्लू वाला एक ये चेन बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है सी, है ना। ये तीन नेक पीसेस हो गए। उसके बाद मैंने लिया एक और नेक पीस है, वो तो छोटू सा है ऐसा प्यारा सा, एक येलो कलर का फ्लावर है ये इस तरीके से। तो ये थे नेक पीसेस। उसके बाद लिया मैंने ये हुप्स, ये है इयररिंग्स। इयररिंग्स बहुत सुंदर सुंदर थे वहाँ पर, बट ज़्यादा हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि काफ़ी सारा रश था, संडे था, बहुत भीड़ थी, तो जितना हम लोग को समझ में आया उतना हमने लिया ये इस तरीके से। तो उसके बाद है एक ये छोटी सी ऐसी क्लिप जो कि इस तरीके से खुलती है, और बहुत ही अच्छी लगती है इसे सर में लगे। शो यू ऐसी बहुत क्यूट सी है ये, तो एक ये ली मैंने। और बस ये था मेरी एक्सेसरीज, जो मतलब लाइक ज्वेलरी एक्सेसरीज कुछ भी बोलो, ये लिया। उसके बाद जो मैंने आपको पर्स वाला शॉप दिखाया वही शॉप से मैंने ये लिया पर्स ऐसे। उसके बाद हमने लिए कुछ क्रंचीज रबर बैंड्स वगैरह जो कि मतलब लाइक 50 रुपये में तीन या 50 रुपये में चार थे, तो हमने इसी तरीके से लिया। तो एक ये है बहुत ही सुंदर सा, इसे बहुत ही अच्छी सी ऐसी फ्रिल्सी है, डोंट नो कैसा लगेगा बट उस टाइम तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अब देखते हैं कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं। ये मैं अभी फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ मैं आप लोगों के सामने सी इस तरीके से। चलो उसे पहन के रखते हैं। तो उसके बाद आते हैं अब फुटवेयर्स में। फुटवेयर्स में मैंने सबसे पहले ली ये, और बहुत ही सुंदर है। उसके बाद मैं दो तीन बार ये ऑलरेडी पहन चुकी हूँ अपने ऑफिस के लिए। बहुत ही प्यारा सा कलर है, एकदम डिफरेंट सा कलर लगा, ये येलो और मस्टर्ड येलो का मिक्स शेड है वो, और ये सामने इस तरीके से ना बहुत ही सुंदर सा बो बना हुआ है। तो एक ये है फुटवेयर में,
और दूसरा फुटवेयर मैंने बहुत ही इस तरीके से लिया कि लूँ नहीं लूँ करते 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 मैंने ले लिया, क्योंकि पूजा मेरे साथ जो गई थी उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, नहीं आप ले लो प्लीज़, अच्छा लग रहा है आजकल, ये बहुत ट्रेंडी है. मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं. वो है ये बहुत ही खूबसूरत से सुंदर से शूज़, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. इस तरीके के शूज़ जो मार्केट में है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब लाइक 1,500-2,000 के भी पड़ रहे हैं, 1,000 के पड़ रहे हैं. ये मैंने लिए जस्ट 350 रुपीज़ के हमारे को ये शूज़ पड़े. और ये वाला जो फुटवेयर है ये मेरे को पड़ा 250 का, तो 250 का वहाँ सेल लगा होता है, ये उसी में से 250 का मैंने ये लिया. उसके बाद आते हैं क्लोदिंग पे. क्लोदिंग में मैंने सबसे पहले लेते हैं ये टॉप, जो ऑलरेडी मैं दो बार पहन चुकी हूँ, ये वॉश भी हो चुका है, तो अब मैं इसका रिकमेंड दे सकती हूँ. सी ये बहुत ही सुंदर सा इस तरीके से टॉप है, और इसमें कैसे ये स्ट्रिंग है, इसको आप बांध सकते हो गले पे, बहुत सुंदर लगेगी. और गले पे ही यहाँ पर बहुत सुंदर सा ना ऐसे पर्ल का काम हुआ हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से तो गले पे यहाँ ऐसे 3 बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पर्ल का काम हुआ हुआ है, और बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है. और पर्पलिश कलर का ये टॉप है, ये यहाँ पर साटन है, और यहाँ पर एक ये दूसरा सा मटेरियल है जो कि बहुत ऐसे स्ट्रेचेबल टाइप्स है, तो पहन के भी बड़ा सुंदर सा लगता है. साइड में कोशिश करूँगी यहाँ पे फ़ोटो एक डाल दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो ये है मेरा एक टॉप. उसके बाद ली मैंने एक ट्राउज़र, ये है कॉटराइज का मटीरियल है, बहुत ही अच्छा है, और प्लास्टिक में है इस तरीके से, तो कि कंफर्टेबल रहेगा बहुत, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से जीन्स पहनना छोड़ दिया था जब से मैंने कंसीव किया था. फिर रुद्रंश भी अब 4 साल के हो चुके हैं, तो जीन्स ना एक तरह से लाइफ का एक पार्ट था पहले, और अभी एकदम से ऐसे डिसअपियर हो गया मेरी लाइफ से. तो वापस से नील ने बोला प्लीज़ अपना स्टाइल चेंज करो, वापस मेरी पुरानी वाली ज्योत्सना में आओ. तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं. तो उतना कंफर्टेबल अब जीन्स मुझे फील होने नहीं लगा था, बट अब जो मैंने लिए हैं ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल है. क्योंकि अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो काफ़ी टाइम पहले ना लो वेस्ट जीन्स चलने लगी थी, जो कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल थी. पर्सनली मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल लगती थी, बट अब वापस से वो हाई वेस्ट और नीचे से ना बेल बॉटम स्टाइल या स्ट्रेट या बलून वाली पैंट्स और जीन्स आने लगी हैं, तो वो मेरा स्टाइल है और मेरे बॉडी स्ट्रक्चर पे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो वापस मुझे वही सब मुझे दिखा तो मैंने कहा ले लेते हैं चलो. तो ये इस तरीके से है ट्राउज़र पूरा फुल, और नीचे से भी ना काफ़ी ब्रॉड है, ये ऐसे नैरो नहीं है इसका ये बॉटम, नीचे से भी ये ना काफ़ी ब्रॉड है. सी और यहाँ साइड में स्लिट है छोटा सा. बात है एक और प्यारी सी जीन्स इस तरीके से. जीन्स नीचे नॉर्मल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ब्रॉड नहीं है, और इसके पॉकेट के पास ही बहुत सुंदर सा ऐसे पैटर्न बना हुआ है. उसके बाद यहाँ नीचे ये ऐसे नॉर्मल है, नैरो भी नहीं है और ब्रॉड भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है. उसके बाद मैंने लिया एक ट्राउज़र जो कि बहुत ही सुंदर ट्राउज़र है, बट ये नीचे से थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो मुझे इसको नीचे से कटवाना पड़ेगा, इसलिए ये अभी ट्राई नहीं कर पा रही हूँ मैं. तो इसको जब हम ऑल्टर करा लेंगे उसके बाद एक बार मैं आपको दिखाऊंगी. सी ये इसका फ्रंट है कुछ इस तरीके से ऐसे, और इसके ये ऐसे बटन बंद होंगे यहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ आपको करके इस तरीके. बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मतलब बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर बन गया बॉडी का इसको पहनने के बाद, शेप इतनी सुंदर आई, फिगर ये इस तरीके से. ये सारे बटन यहाँ बंद हो जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा ये बटन है, ये यहाँ पे सारे बंद हो जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा पैटर्न हो जाएगा, और ये इस तरीके से. और बेल बॉटम है ये. तो मैं क्लोदिंग में बहुत ज़्यादा सरोजनी में मुझे वो नहीं आता, क्योंकि आपकी मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ना जब तक उसको ट्राई नहीं करूँ तो चीज़ें ना बहुत अटपटी आ जाती, क्योंकि मेरी थाई थोड़ी हैवी है, कमर छोटी सी है, तो कमर के साइज़ से हिसाब से जाऊँ तो वो थाई पे से नहीं आती, थाई से आ जाती है तो कमर बड़ी हो जाती है. तो मेरे को ना हमेशा ट्राई करके ही पहनना पड़ता है, ख़रीदने पड़ते हैं कपड़े, तो पहले बहुत ही रिस्की हो जाता है बॉटम्स ख़रीदना सरोजनी नगर से, तो थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ. पर इस बार जो मैंने लिए वो टचवुड थोड़े ठीक ही आ गए, मैंने कहा ठीक है रीजनेबल प्राइस में अगर ख़राब ही निकल गए तो क्या कर सकते हैं, तो इतना दिल पे दुख नहीं होगा, बट अच्छे आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी. ये था मेरा क्लोथिंग सेक्शन, तो बस यही और कुछ खास नहीं, थोड़ी सी ज्वेलरी, 2 फुटवेयर और 4 ये क्लोथ्स. तो
बस यही था शॉपिंग हॉल, एक वो पर्स, उसके बाद ये और क्या था, और ये जो मैंने पहना है ये एक नाइट सूट है इस तरीके से, और इसका ये लोअर भी है, ये जस्ट 200 रुपीज़ में, मतलब अपर और लोअर दोनों 200 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा नाइट सूट है, मतलब लाइक आप इसको खरीद के दो तीन पेयर्स अगर आप खरीद लो संडे को, जैसे मैं चिल मारती हूँ नहा के नाइट सूट ही पहन लेती हूँ पूरा दिन मस्त, और कहीं नीचे जाना है, शॉप पर जाना है, रुद्रंश को पार्क ले जाना है, पहन के आराम से जा सकते हैं। मैं आपको उसको दिखा देती हूँ प्रॉपर, हाँ सी ये छोटी सी ऐसे बनी ट्वीटी, और उसके बाद ये इसका ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र है, छोटी सी ट्यूटी है, ये बनी हुई प्यारी सी, और बस ये मैं हूँ। तो ये था मेरा व्हाट आई बाय फ्रॉम सरोजनी नगर, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का क्या टेस्ट है, इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब जाएँ तो वैसे शॉपिंग ज़रूर करें, तो डेफिनेटली मैं और मार्केट भी एक्सप्लोर करूँगी दिल्ली की, एंड लेट्स सी आपको कौन सी मार्केट पसंद आती है, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर, ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो बस ये था मेरा सरोजनी नगर शॉपिंग हॉल का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर विद माय नोट, बी हैप्पी, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, एंड बाय बाय इंडियन, एंड प्राउड टू बी इंडियन, बाय बाय।